सो अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो गाइज़ काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही, तो अब काफ़ी बेहतर है तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों को आज बताने आया हूँ कि आप लोग इस तरीके से फ़ोटो बेड उतारा गेरा कुछ इस तरीका का अली ज़फ़र का साउंड है सॉन्ग है, तो उस साउंड पर आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ कि आप लोग टिकटॉक पर ट्रेंडिंग में चलने वाले इस तरह के साउंड पर कैसे वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो बेड कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ साउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्राहम कर दिया, से आप लोगों ने डाउनलोड करना है। इसके साथ आप लोगों की 10 पिक भी आप लोगों के लगेंगे, तो आप लोगों ने 10 पिक को अपने को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कैपकट को ओपन करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपनी 10 को इसी अच्छी सी पिक को सिलेक्ट कर लेना है, वन बाई वन आप लोगों ने उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे रेशो आप लोगों ने इस तरह स्क्रोल करना है, फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, आप लोगों ने 9x16 की फॉर्मेट को यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब आप लोगों ने वन बाई वन आपने अपनी फोटोज़ को इस कैसे दोनों फिंगर के साथ आप लोगों ने एडजस्ट करना है, जूम करना है, अपनी फ़ोटोज़ को अच्छी तरह एडजस्ट करें कि ताकि आप लोगों का जो हेड है आप लोगों का सारा है वो आप लोगों को अच्छी तरह दिखाई दे। बॉडी एडजस्टमेंट आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी तमाम की तमाम फ़ोटो के कर लेने हैं, ठीक है। इस तरीके करने के बाद आप लोगों ने ऐड ऑडियो पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ऐड ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर चले आना है और यहाँ पर साउंड को आप लोगों ने इम्पोर्ट साउंड ऑनली पर क्लिक करके सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इम्पोर्ट साउंड ऑनली पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों का साउंड भी आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने फोटोज़ को आप लोगों ने रेशो देनी है, ठीक है। आप लोगों ने रेशो देनी है, तो रेशो किस तरीके से देनी है, आप लोगों ने जो आप लोगों की पहली पिक होगी ना उसको आप लोगों ने 2.5 सेकंड तक कर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों की जो पिक होगी 0.3 तक कर देना है। तीसरे नंबर पर वाली को आप लोगों ने 1.9 कर देना है, जबकि 4 नंबर वाली को 0.4 कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे नज़र भी आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पाँचवें नंबर वाली को सिलेक्ट करना है और इसको पूरे 2 सेकंड तक आप लोगों ने कर देना है, जबकि छठी आप लोगों ने अपनी पिक को 1.1 तक कर देना है। इसके बाद 7 जो आप लोगों की 7 नंबर पिक है उसको 1.2 कर देना है। 8 नंबर वाली आप लोगों ने पिक को 1.1 कर देना है। 9 नंबर वाली को 1.1 कर देना है और 10 नंबर वाली को आप लोगों ने जस्ट 0.6 कर देना है। नीचे आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और इस तरीके से अपनी फ़ोटोज़ को अच्छी तरह से जो है वो इनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इनकी सेकंड की एडजस्टमेंट आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दी है। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट में चले आना है। स्टार्ट में आप लोग जैसे आएंगे, स्टार्ट में आने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको एनिमेशन देनी है। आप लोगों ने वन बाय वन पहले को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन में आना है और कॉम्बो में चले आना है और जो आप लोगों को पहले पिक है उसको आप लोगों ने बिस्किट वन वाले आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करने लाए एनिमेशन, ठीक है कॉम्बो। तो यहाँ पर पहले हमने सिलेक्ट की, अब आपने क्या करना है, इसी तरह आप लोगों ने स्क्रोल करते जाना है अपनी वन बाय वन पिक। आप लोगों की जो 9 रह गई हैं उनको आप लोगों ने बिलतरतीब आप लोगों ने पेंडोलियम 1 और पेंडोलियम 2 वाले आप लोगों ने यहाँ पे एनिमेशन सेलेक्ट कर लेनी है कॉम्बो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले को आप लोगों ने मतलब इस तरीके से जो आप लोगों की दूसरी होगी पहले को तो बिस्किट देना है, दूसरी को आप लोगों ने पिंडोलियम 1, तीसरी को आप लोगों ने पिंडोलियम 3, ठीक है 2, और इस तरीके से आप लोगों ने 1 और 2 को सिलेक्ट करना, कोई और भी आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट काम होता है कि आप लोगों की रेशो ठीक होनी चाहिए, आप लोगों की सेकंड जो है वो उसी हिसाब से पिक होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब नेक्स्ट आप लोग चाहें तो यहाँ पे देखें ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हैं। ट्रांजेक्शन कैसे लगानी है, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे कट वाली साइड पे आना है और इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने बेसिक में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने फ्लैश इफेक्ट लगा देना है, वाइट फ्लैश, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई आल पर क्लिक करना है तो आप लोगों का खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिक सारे उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों की वीडियो बन के आ चुके हैं। एक्सपोर्ट पर आप लोगों ने क्लिक करना है, 1080 पे और 60 FPS पे रख के एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।